और कहते हैं बंदरों को खिलाते हैं, और जब घर में कुछ नहीं मिलता तो मटके फोड़ देते हैं और घर में सोए हुए बच्चों को चिकोटी काटते हैं। ये भगवान की बाल लीला प्रारंभ हो। एक दिन भगवान ने अपने घर में माटी खाते हुए पकड़ाया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्य गोपकार का कृष्णो मृदं भक्षितवान् नित्यमात्रेण्यवेद। भगवान माटी खा रहे। मां महालक्ष्मीम अटती अस्याम इति माटी स्थयति इंदिरा सस्वदत्रहि अत्र आश्रयति इंदिरा। लक्ष्मी जिस रज में रमण करे उसी का नाम तो माटी है। भगवान ने माटी खाई। यशोदा ने कहा बोल तूने माटी खाया। सूरदास जी सूर सागर में कहते हैं साटी ले उगलावत माटी डंडा लेकर खले बोल माटी खाया। भगवान बोले ना हम बचित सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुख। ना ना मैंने माटी नहीं खाई। यदि विश्वास नहीं है तो मेरे मुंह के सामने देखो। और जो वही मैया ने भगवान के मुंह में देखा तो कहते हैं कि साद्री द्वीपा दिभोगोलम संपूर्ण भुवन को उस भगवान में ही दिखाई दिया। यद ब्रह्मांडे तद पिंडे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे सब उन्हीं में दिखाई दे रहा है। जैसे मैया यशोद कौशल्या को रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। यशोदा घबरा गई बोले दे जल्दी करो इत्थम गोपिकायाम से ईश्वर भगवान समझ गए मेरी माँ घबरा गई। तब वैष्णवी व्यतनोन माया भगवान की तीन माया स्वजन सम्मोहिनी विमुखजन सम्मोहिनी स्वरूप सम्मोहिनी। अपनी माया का विस्तार कर दिया। फिर मैया भगवान को लेकर के लालन पालन करने लगी दूध पिलाने लगी। परीक्षित ने पूछा महाराज ये सौभाग्य कैसे मिला यशोदा को। कहते द्रोणो बसु नाम प्रवरु धरया सहवारया। द्रोण नाम के बसु नंद थे धरा नाम की उनकी पत्नी थी यशोदा। इन्होंने भगवान को एक जन्म के लिए मांगा था। भगवान ने इनको तीन गुना करके तीन जन्म के लिए उनका इनके पुत्र बनने के लिए भगवान उनके ऊपर करुणा किए हैं। भगवान